हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी के आज के हमारे एक लर्निंग और साथ में थोड़ा सेटअप वाले वीडियो में। तो जैसे आप जानते हैं, मैं बहुत टाइम से आपको बताता आ रहा हूँ कि एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए मैं आपके लिए लाने वाला, और फाइनली वो वीडियो आ गया है। पहले हम थोड़ा लर्न करेंगे उस चीज के बारे में, बाद में हम थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। तो आज का जो हमारा मेन कंसेप्ट है, हम सीखने वाले वी वेब के बारे में। अब एक चीज समझिए, हम सब कई भी बात करते हैं पूरी जिंदगी में, हमारे लिए एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं एवरेज। हम किसी भी चीज की जो कोई क्षमता है, कोई भी स्ट्रेंथ है, कोई भी चीज है, कोई आयु है, वो सब चीज हम नापते हैं एवरेज में। कि इंसान की एवरेज आयु क्या है, तो 65 ये सभी चल रहा है इंडिया में। इंसान कोई भी गाड़ी है तो उसकी एवरेज से हम हर एक चीज को एवरेज में, अगर कोई क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसकी तो A1 है, A2, उसका डिपेंड करते कि इस क्लास के बच्चों की एवरेज 90% है। हम इंडिविजुअली नहीं कहते, तो सेम टू सेम चीज हर एक बार है। तो अगर एवरेज अगर हर एक चीज में इम्पोर्टेंट है, तो वो स्टॉक मार्केट में भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप जानते भी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एवरेज डिफरेंट डिफरेंट सिनारियों में हम यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में। जैसे बहुत सारी एवरेज हम यूज करते हैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए, बहुत सारी एंट्री के लिए। जैसे अगर मार्केट कभी भी क्रैश हो रहा हो, तो वो अपनी एंकर जो ए वीवैप होता है वहां पे आके रुकता ही रुकता है। आप कोई भी सेल्फ हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, कोई भी क्रैश में एंकर वीवैप पे रुकता ही रुकता है, क्योंकि वो एवरेज दिखाता है और वो डिपेंड करता है कि हमारा एंकर जो है वो कहाँ लगा रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं वीवैप, जो मोस्टली यूज होता है, थरली यूज ही उसी के लिए होता है, वो होता है अल्टीमेटली यूज इंट्राडे के लिए। अभी वीवैप का मतलब समझिए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज ट्रेडेड प्राइस, यानी कि उसको हम ATP भी बोलते हैं, कि एवरेज ट्रेडेड प्राइस। कि मॉर्निंग में फर्स्ट जो सौदा लगा था उससे लेके अब तक, जब आप देख रहे हैं 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, उसके जो वॉल्यूम के साथ प्राइस की जो एवरेज है वो हमको दिख रही है। तो वहां पे एक एवरेज चल रही है, यानी कि प्राइस के साथ एक एवरेज भी चल रही है। अगर वो एवरेज फ्लैट दिख रही है, वो लाइन है जो हमें फ्लैट दिख रही है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो एवरेज एक स्लोप बना रही है, स्लोप का मतलब यह है कि प्राइस बहुत अच्छे से मूव हो रहा है, पहली चीज ये, और उसने बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ भी है, ये दिखाता है ना स्लोप। तो कोई भी कभी भी एवरेज, कोई भी एवरेज, चाहे वो 20 ऐसे में ले लो, कोई भी ले लो, या वो अभी हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की, तो यहाँ पे लेंगे वी वैप। अगर कभी भी आपको वी वैप स्लोप में दिखता है, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उस स्टॉक में या फिर उस इंडेक्स में इंट्राडे में चल रहा है, हम कह सकते हैं। तो ये तुमको पता चलेगी ट्रेंड की बात। तो अब इसका सेटअप क्या हुआ, एंट्री कैसे हुई, और दूसरी चीज कहा भी जाता है कि अगर कोई भी प्राइस इंट्राडे में वी वैप के ऊपर चल रहा है, नॉर्मली 2 घंटे की ट्रेडिंग के बाद, क्योंकि पहले 2 घंटे में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन 11-15 के बाद अगर कोई भी प्राइस अपने वी वैप के ATP के एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर चल रहा है, तो उसको कभी भी इंट्राडे में सेल नहीं किया जा सकता, यानी कि किया जाना है गुनाह के मुजब है। और सेम टू सेम उल्टा वाइस वर्सा, यानी कि अगर कोई भी प्राइस अपनी एवरेज के नीचे, यानी कि वी वैप के नीचे चल रहा है, तो उसको हम इंट्राडे में बाय नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, अगर होती तो ऊपर चलता, तो हम बाय करके चलते। और इंट्राडे में सबसे बढ़िया सपोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करती है वी वैप, साथ में ये बहुत ही बढ़िया एक अच्छा टूल है। और दिन में कम से कम एक बार कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, एक बार इस वी वैप को टच करने के लिए आता ही आता है, और वहां पे हमारी एंट्री बनती है। तो ये तो गया थोड़ा बहुत, मैं आपको और भी दे दिया, लेकिन चलिए थोड़ा बहुत हम समझते हैं। ये देखो, मान लीजिए यहां पे प्राइस ऐसे बढ़ रहा है, और ये है उसकी वी वैप, वीवैप भी साथ में चलेगी। जितना प्राइस अच्छे से ऊपर जाएगा, वीवैप भी उतनी अच्छे से ऊपर जाएगी। पहले कुछ मैं आपको चीज समझा देता हूँ, अगर वीवैप ऐसे फ्लैट है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करेंगे। अगर बहुत ही ज्यादा सीधी चल रही है ऐसे, तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट होती है 45 एंगल, ये जो होती है सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, आइडियल जिसको बोलते हैं। जो हमारा सेटअप होगा, हमारी जो चीज है, हमारा जो कंसेप्ट, उसमें हम यही चीज लेंगे कि जो 45 डिग्री में, आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी हर एक बार बताया कि 45 डिग्री पे आप, 45 एंगल पे आप काम कीजिए। इसका मतलब यही जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं कि हम बात कर रहा हूँ मैं वी वैप की। तो प्राइस एक ना एक बार यहाँ पे टच करने के लिए आता है, और अगर ऐसा फ्लोप में चल रहा है 45 एंगल में, तो यहाँ से टच करके सीधा वो ऊपर भाग जाएगा। ये प्राइस में उतना स्ट्रेंथ है कि वो इसको ऊपर की ओर घसीट रहा है। ये ट्रेंड तो इंट्राडे का ही है,
यानी कि इतना वॉल्यूम और इतना प्राइस इसमें हाइक हुआ है कि वो अच्छे से ऊपर की ओर स्लोप बना के जा रहा है, पहली चीज तो ये हो गई। तो इसको इजिली तोड़ना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। जो फ्लैट होगा वो तो इजिली टूट जाएगा, वहां पर फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन जो स्लोप में होता है, जो प्राइस एंगल में चल रहा होता है वीवैप, उसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और वहां पे आपको एंट्री का बेस्ट मौका मिलता है। ये समझ लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली आप सेटअप को समझिए, अभी आपको सेटअप समझाता हूँ। हमारा सेटअप नॉर्मली क्या, हम ये सेटअप जो है उसका टाइमिंग मैं बता देता हूँ, हम यूज करेंगे 11:15 के बाद, ठीक है। दूसरी बात, हम पहले क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे 1 आवर की 2 कैंडल को हम पहले एनालाइज करेंगे, मैं कैसा करना बताऊंगा। फिर थर्ड हम क्या करेंगे, हम लेंगे एंट्री और हमारा होगा आखिरी में SL। टारगेट यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, टारगेट आपको जितना रखना आप उसको राइड कर सकते हैं, लेकिन आखिरी चीज ये है कि आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाना है, आपको इसको इंट्रा डे में ही क्लोज कर देना है, ये बात है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, मार्केट 9:15 को जैसे ओपन होती है, हम 11:15 तक कुछ नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1 घंटे की 2 कैंडल बन गई होंगी, उसको हम बनने देते, क्योंकि इतना तो हमको वॉल्यूम और प्राइस चाहिए एक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि इसमें स्ट्रेंथ है। फिर हम क्या करेंगे, आप चाहे तो मैन्युअल स्टॉक आप स्कैन कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपके पास कोई लैपटॉप है तो आप अच्छे से स्कैन कर सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। पहला हो गया, आपको एक स्टॉक देखना है वो कैसे देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। स्कैनर अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मेरे पास स्कैनर पड़ा हुआ है उसको एनालाइज करने के लिए। ये हो गया पहली चीज कि हम 11:15 के बाद ही कुछ करेंगे, हमको 2 कैंडल देखनी है। अगर वो 2 कैंडल यहाँ आपको दिखती है बुलिश, बुलिश से मेरा मतलब है कि वो 2 कैंडल होनी चाहिए ग्रीन। अगर वो 2 कैंडल ग्रीन है तो क्या होगा, हमारी ये जो पहले काम तो हमारा हो गया। दूसरा काम, अगर वो 2 कैंडल ग्रीन है, हम यहाँ पे बात करें बाइंग साइड के लिए। अगर सेलिंग का देखेंगे तो उल्टा होगा, यहाँ पे 2 कैंडल थे हमको रेड, अभी हम बाइंग का देखते हैं। अगर वो 2 कैंडल ग्रीन है तो यहाँ पे हमारा ये काम भी हो गया। जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा स्लोप बना होगा। अब हमारी एंट्री क्या होगी, 11:15 के बाद अगर 2 कैंडल ग्रीन बन गई है और वो स्टॉक अपने 20 SMA के ऊपर चल रहा है, ये तो थर्ड चीज है, इसको आप ना कंसिडर करें तो भी चलेगा। यहाँ पे भी मेन फोकस रखिए इस पे कि अगर वो ग्रीन है 2 कैंडल, 2 घंटे की कैंडल, यानी कि फिर हमको मूव हो जाना है 15 मिनट पे, फिर हमको टाइम फ्रेम रख लेना है 15 मिनट। हम क्या करेंगे, वीवैप लगा देंगे, और जब भी प्राइस वीवैप के नजदीक आएगा हम वीवैप पे यहाँ पे एंट्री लेंगे 15 मिनट पे, वीवैप तब एंट्री लेंगे। आपका एसएल क्या होगा, वीवैप के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है नीचे तो यहाँ पे हमारा हो गया एसएल, हम निकल जाएंगे। अब ऐसा मत सकेगा कि एक कैंडल क्लोज होने में आपका 10% चला जाएगा, 15% चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये स्लोप में चल रहा है प्राइस तो इसको कुछ नहीं होने वाला। दूसरी चीज के प्राइस जो है स्लोप में होना चाहिए, जब मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट में तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए हम जाते हैं स्टार्ट में। तो यहाँ पे आप गौर फरमाइए, देखिए यहाँ पे मेरे पास एक स्कैनर है, मैं उससे आपको स्कैन करके दिखाता हूँ कि अभी बाय मार्केट चल रहा है तो अभी कौन से स्टॉक हमारे आए हुए हैं। ये स्कैन 11:15 के बाद ही एक्टिव होता है तो बढ़िया बात है। ये देखिए श्री राम सिटी हमको दिख रहा है, ये सारे स्टॉक आ गए होंगे मॉर्निंग में ही 11:15 में। ये देखिए हम देखते हैं, हमने सबसे पहले स्टॉक लगा दिया 11:15 पे आ गया होगा, हमने सबसे पहले स्टॉक लगा दिया। हम इसकी टाइम फ्रेम कर देंगे 15, पहले करेंगे 1 घंटे की। ये देखिए दोनों कैंडल बुलिश है, पहली भी ग्रीन दूसरी भी ग्रीन। अब हम क्या करेंगे, वीवैप लगाएंगे। अब हम करेंगे 15 मिनट की टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पे आपको ये चार्ट तो बाद में बना है, हम देखेंगे 11:15 पे क्या हुआ था। तो देखिए 11:15 पे ये चार्ट बन चुका है, यहाँ पे 11:15 की कैंडल, यहाँ पे देखेंगे तो हमने पहला सेटअप कर लिया था कि दोनों कैंडल ग्रीन है तो यहाँ हमारी सूची में आ गया। अभी दूसरा देखिए यहाँ पे जो वीवैप है वो स्लोप बना रहे हैं, देखिए ऐसे एंगल में जा रहा है, देखिए सीधा नहीं है एंगल में जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीवैप के पास हम एंट्री लेंगे। देखिए दूसरी कैंडल में 11:30 वाली कैंडल में हमको यहाँ पे वीवैप पे एंट्री मिल गई। फिर देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमारी एंट्री हुई थी 2067 पे, इसका हाई देखिए अभी 2300। हर एक बार में स्टॉक में ऐसा नहीं होगा लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी है जो सेटअप है वो देगा। देखिए कंटिन्यूस अभी भी ये नीचे क्लोज नहीं हुआ है। फिर हम दूसरा स्टॉक देखते हैं राजेश एक्सपोर्ट, आज के जो स्टॉक है वही हम देखते हैं स्कैन में। कोई रॉकेट साइंस आप अपने आप से भी कर सकते हैं, आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ये देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 1 घंटे का, ये देखिए 9:15 की कैंडल बुलिश, 9, 10, 15 वाली भी बुलिश। ये हो गया स्लोप तो हमारा। अभी क्या करेंगे, हम 15 मिनट में जाएंगे,
ये देखिए 11-15 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे स्लोप में आपको दिख रहा है, ये देखिए ये स्लोप में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कैंडल में 11:30 वाले कैंडल में यहाँ पे क्या हुआ, वीएफ के पास आ गया, यहाँ पे हमारी हो गई एंट्री। ये देखिए तो मान लीजिए आपकी एंट्री हो गई 740 पे, इसने हाई लगाया 791 का। देखिए कितना बढ़िया ये प्राइस दिया है, और अभी ये नीचे ट्राई कर रहा है क्लोज करने के, अभी क्लोज हुआ नहीं है मार्केट। और ये आखिरी कैंडल, यहाँ तक आप रुके भी नहीं, यहाँ तो इसी किसी कैंडल में आप आराम से निकल जाएंगे, वो तो मुझे पक्का पता है, आप इतना ज्यादा रुकेंगे ही नहीं। फिर अगर हम देखते हैं तो ये देखिए सुंदरम फास्टनर्स, इसमें क्या हुआ था, मैं आपको बहुत सारे तरीके दिखाऊंगा, पहले आपको मैं सेटअप का एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस तरह से हम करते हैं। देखिए पहले देखेंगे हम 1 घंटे की कैंडल, ये होगी 9:15 की बुलिश, ये 10:15 की बुलिश, अब हम करेंगे 15 मिनट के अंदर, ये देखिए 11:15 की कैंडल खत्म हो गई यहाँ पे, दूसरी कैंडल में 11:30 वाली कैंडल में ही हमको एंट्री मिल गई। बात इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग बेस पे, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे नीचे बहुत बार आया है लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया है, और यही खासियत है वीवेप की, उसके नीचे क्लोज नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए ये भी नीचे लेकिन क्लोज नहीं करेगा, यही चीज है वीवेप के बहुत ही बड़ी खासियत उसके वॉल्यूम की। यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री मान लीजिए हुई 842 पर, इसने हाई लगाया 890 का, कितना बढ़िया गेन आपको मिलता है। आपने एक भी स्टॉक अच्छा पकड़ लिया इंट्राडे में, आपका काम हो गया, एक भी स्टॉक आपने सही पकड़ लिया, आपका काम हो गया। सेम टू सेम एसएल साइड में, एसएल साइड में नीचे की ओर स्लोप होना चाहिए, यहाँ पे जैसे ऊपर है वहां पे से नीचे की ओर स्लोप होना चाहिए, फ्लैट वेव होगा। ये देखिए इसको बोलते हैं फ्लैट वेव। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, और ये सेम चीजें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में होती है, सब में होती है। यहाँ पे देखिए अगर हम देखें कल की कुछ 29 तारीख की देखेंगे, ये देखिए बैक टेस्टिंग है, ये 29 तारीख का है कल का। यहाँ पे देखेंगे BEML, इसको हम देख लेते हैं पहले कि उसमें कल के दिन क्या हुआ था। 29 तारीख को ये हो गया 29 तारीख वाला, पहले देखेंगे 1 घंटे की कैंडल, ये देखिए बुलिश बुलिश। फिर आएंगे 15 मिनट पे, ये हो गया 11:15। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, देखिए यहाँ पे हो गया हमारा SL, तो यहाँ पे हम निकल जाएंगे। यहाँ पे हमको वेट नहीं करना है कि ये तो ऊपर चला गया, क्योंकि बहुत बड़े नीचे भी आ जाता है। आपको दूसरी चीज ये भी देखनी है कि अगर बहुत ऊपर प्राइस गया था 11:15 से पहले, बहुत ऊपर दिखे कितना बढ़िया मूव किया था और फिर नीचे आ रहा है, तो ये भी आपको एक बार देखना है कि वहां आसपास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं, डेली टाइम फ्रेम में आसपास कोई रेजिस्टेंस तो नहीं। अगर ऐसा कोई रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है तो फिर आप यहां से कल्टी मार सकते, उसको आप स्किप कर सकते, क्योंकि आपको दिन के कम ऐसे 40 से 50 स्टॉक मिल जाएंगे, 40 to 50 स्टॉक आपको डेली ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आप अच्छे से एंट्री ले सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है, बहुत ही पावरफुल सेटअप है, अभी ये चीज समझिए। फिर देखिए फिर देखिए लक्ष्मी सीमेंट, ये सभी आपको 11:15 पे स्टॉक मिल ही जाएंगे। ये देखिए घंटे की कैंडल पे देख लेते हैं, 9:15 10:15 सही है, अब हम लेंगे एंट्री। ये देखिए आखिर में एंट्री मिली हमको, ये 2:30 की एंट्री मिली, 2:30 की एंट्री मिली यहाँ पे हमको तकरीबन 640 पे, फिर भी इसने हाई लगाया उसी टाइम पे 660 का। यहाँ पे तुमको अगर 1% भी मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, सिर्फ 1% भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में 1% कमाना भी बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। हम थोड़ा और जाते हैं, आपको बैक टेस्टिंग में अच्छा खासा करके दिखा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर हम देखते हैं 28 तारीख का देखते हैं, तो कोई था ही नहीं क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा नीचे आया था, संडे था जी। 26 तारीख का देखते हैं सिप्ला, 26 तारीख को सिप्ला, ये देखिए देखेंगे 1 घंटे की कैंडल। आपको आराम से सिस्टम को समझना है वरना गलती कर देंगे। 26 तारीख ये हो गए 26 तारीख की कैंडल, ये देखिए 1 कैंडल 2 कैंडल दोनों की दोनों ग्रीन। अब हम क्या करेंगे 15 मिनट पे हम लेंगे एंट्री, 26 तारीख वाली ये रही, ये हो गया 11:15, हमको एंट्री ही नहीं मिली। देखिए स्लोप कितना बढ़िया बना है लेकिन एंट्री ही नहीं मिली, छोड़ देंगे। एंट्री लेंगे तो बिल्कुल वीवेप पे ही लेंगे वरना नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा एसएल वहां से छोटा हो जाता है। एंट्री तो हम वीवेप पे ही लेंगे, उसके पहले नहीं लेंगे, उसके अगर नीचे क्लोज किया तो भी नहीं लेंगे। अगर आपने देखा कि कोई कैंडल नीचे क्लोज कर रही है फिर दूसरी कैंडल ऊपर जा रही है, ये आपके ऊपर एंट्री नहीं लेनी है। रूल एक ही, कोई भी कैंडल पूरे दिन की इंट्राडे में वीवेप के नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम 2 घंटे की कल देख रहे हैं तो फिर कोई होगी ही नहीं, तब जो स्लोप बनाएगा।
अगर हम और कुछ टेस्टिंग करें हमें जरूरत नहीं, शायद नहीं है, लेकिन सिस्टम यही है। अब आपको ऐसे स्टॉक फाइंड कर सकते हैं, आप निफ्टी 50 में देख सकते हैं कि 11 15 के बाद जो टॉप गेनर है उसको आप देख सकते हैं बाइंग साइड की ओर, टॉप लूजर है उसको देख सकते हैं सेल साइड की ओर, निफ्टी टॉप 100 देख सकते हैं, निफ्टी 500 देख सकते हैं जिसमें टॉप जो बाइंग वाले होते हैं, टॉप जो टॉप गेनर होते हैं 11 15 पे उसका पिक कर सकते हैं, फिर 11 15 पे जो टॉप लूजर होते हैं उसको पिक कर सकते हैं सेल करने के लिए। सिंपल चीज है, क्योंकि जिसमें अच्छा गेन आया होगा उसमें आपको बढ़िया स्लोप दिख ही जाएगा, उसका व्यू पे एंट्री ले सकते हैं। मेरे पास तो अलग स्कैनर है, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो मैं क्या कहता हूँ आप बना सकते हैं, मेरे को भी एक स्टूडेंट ने बना के दिया था स्कैनर, बहुत अच्छा काम आता है ये, बहुत ही बढ़िया सेटअप है, आपको सिंपल टू यूज है, लॉजिक वाला है कि क्यों व्यू पे नीचे नहीं जाता है, इससे सब चीज का लॉजिक है आपके पास, बहुत बढ़िया सेटअप। इसको ट्रेड कीजिए, ट्रेड करने के बाद मुझे कमेंट करके, ट्रेड करने के बाद ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं। वन ऑफ द बेस्ट सेटअप ये है, और मैं आपको ट्रेड भी देता हूँ टेलीग्राम में, तो अभी तक आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए तो वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो सेटअप है, ये जो सिस्टम है वो पसंद आई होगी, आप इंट्राडे में अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे, लॉजिकली आपको मुनाफा आएगा ही आएगा, लेकिन आपको सिस्टम फॉलो करने एंट्री व्यू पे ही होगी। स्टॉक हम वही पसंद करेंगे जिसकी 2 घंटे की कैंडल दोनों की दोनों ग्रीन हो, और 15 मिनट में जब देखेंगे तो वीएफ स्लोप में हो, क्योंकि कई बार क्या होगा कि अगर 2 घंटे की कैंडल जो है वो ग्रीन भी हुई तो भी वीएफ फ्लैट होगा, तो उसमें हम एंट्री नहीं लेंगे, वीएफ स्लोप में ही होना चाहिए 45 डिग्री, बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, क्योंकि वो फिर धोखा दे सकता है। आपको 45 एंगल वाला ही अच्छा खासा चाहिए, बहुत बढ़िया, आपको मजा आएगा, आप ट्राई कीजिए। चलिए, थैंक यू।